audio jungle. आपको बताते चले कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधानसभा में भाजपा के तेज तर्रार नेता मंटू बाबा ने लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान सबसे पहले मदनपुर माता के दरबार में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद खड्डा पनहेवा सिसवा आदि गांव में जाकर लोगों से हालचाल लिया और 2022 में फिर से कमल खिलाने की भी अपील की। इस दौरान भाजपा के युवा नेता नवीन ओझा, सोना तिवारी, विक्की मिश्रा, दिनेश गुप्ता, विजय सिंह, अमजद शेख, अंकित दुबे आदि लोग मौजूद रहे। मंटू बाबा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर मौका दिया तो जनता सेवा निरंतर जारी रहेगी। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पूठी निवासी हुई सर्राफ व्यापारी की हत्या से गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने के सामने डेड बॉडी रख जाम लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग व मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने तथा घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की है। सूचना पर सीओ सदर देहात पूनम सिरोही व एसडीएम मवाना कमलेश गोयल मौके पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन व ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। काफी समझाने व आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। दरअसल आपको बता दें कि परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पूठी निवासी सर्राफा व्यापारी 4 दिन पूर्व घर से बाइक लेकर खजूरी गांव स्थित दुकान जाने के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक दुकान न पहुंचने पर परिजनों ने काफी तलाश की थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं रविवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली मेरठ मार्ग स्थित रजवाहे में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाल शिनाख्त का प्रयास किया था। शव की शिनाख्त लापता सर्राफा व्यापारी कपिल सैनी के रूप में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिद्धार्थनगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। नवनिर्मित इस कंप्यूटर लैब में 50 प्रशिक्षु एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। कंप्यूटर लैब की स्थापना रूरल इंडिया सपोर्टिंग ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया द्वारा किया गया है। ये दोनों संस्थाएं मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर सहित 6 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। सिद्धार्थनगर जिले के डाइट में इस कंप्यूटर लैब के शुरू होने से यहां प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षकों तकनीकी शिक्षा में भी निपुण होंगे। इस मौके पर लोकार्पण करने आए मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। आज डिजिटल का हर जगह बोलबाला है। कोरोना काल में सारी सुविधाएं डिजिटल पर निर्भर थी, ऐसे में प्रदेश के सभी डाइट पर प्रशिक्षु को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी 6 जिलों में ये सुविधा शुरू हुई है। जल्द ही सामाजिक संस्थाओं और लोगों के सहयोग से पूरे प्रदेश के सभी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ के दूसरे बैच का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षु दल उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ लखनऊ से गाजियाबाद प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पहुंचा है। उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ के इस दूसरे बैच में युवा प्रोफाइल के 58 उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मी, जिसमें एक अधीनस्थ अधिकारी व 57 जवान 36 कार्य दिवस का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कोर्स का शुभारंभ बटालियन कमांडेंट पीके तिवारी द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रशिक्षण के दौरान मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर 12 दिन, सीएसएसआर 12 दिन, फ्लड रेस्क्यू और बोट हैंडलिंग 6 दिन, सीबीआरएन 3 दिन, रेस्क्यू उपकरण में मेंटेनेंस व रोप रेस्क्यू 3 दिन आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 25 नवंबर 2021 तक चलेगा। गौरतलब है कि यूपी एसडीआरएफ के लिए पहला बैच वर्ष 2020 में चलाया गया था, जिसमें कुल 120 जवानों ने आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कमांडेंट तिवारी ने उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर एनडीआरएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदा प्रबंधन में एक ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। जिला शाहजहांपुर के तहसील तिलहर गढ़िया रंगीन क्षेत्र के सभी झोलाछाप प्राइवेट डॉक्टरों ने गढ़िया रंगीन काली मंदिर के पास सामूहिक बैठक की और उसमें यह निर्णय लिया है कि हमारे द्वारा कठिन परिस्थितियों में जनता की सेवा करने के बावजूद भी जनता द्वारा झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया जाता है और मानसिक तनाव देकर परेशान किया जाता है। इससे क्षेत्र के समस्त झोलाछाप डॉक्टरों ने यह फैसला लिया है कि हम लोग अगले 5 दिन तक क्षेत्र में पब्लिक की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देंगे और हम सभी लोग एकत्र होकर अपने संगठन को मजबूत करेंगे। यदि कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार की हमारे झोलाछाप डॉक्टर को परेशानी होती है तो सभी लोग मिलकर के उसका साथ देंगे और उसे प्रताड़ित नहीं होने देंगे।
बैठक में गढ़िया रंगीन के डॉक्टर रतन सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर सुदीप कुमार, डॉक्टर निर्दोष यादव, डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर सलीम। सर ये जो आज मीटिंग रखी है, बैठक की है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग साथ में जो है नाजायज लोग हम लोग पूरी सेवा करते हैं। कोरोना में हर बीमार लोग टक्कर लेते रहे, एमबी डॉक्टर अपने घर में घुस जाते हैं, दुकानें बंद कर लेते, हम लोग रात दिन उनकी सेवा करते रहे। वही लोग हमारे सेवा के साथ हमारे साथ में जो है नाजायज व्यवहार अपनाते हैं। होते गवर्नमेंट से हमें कुछ जो है वरीयता मिलना चाहिए, जिससे हम लोगों का थोड़ा सम्मान बना रहे और जिससे हम लोगों का काम भी चलता है। पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल ने आज से पुनः मां रसोई का किया शुभारंभ। लालगेट तिराहा स्थित मां रसोई का आज शाम जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, मनोज अग्रवाल एवं पालिका चेयरमैन श्रीमती वत्सला अग्रवाल ने पूजन कर रसोई का शुभारंभ किया। डीएम ने आधुनिक मशीन से बनने वाली रोटी की प्रक्रिया देखी। अग्रवाल दंपत्ति ने अनेकों कन्याओं को भोजन ग्रहण कराकर फूलमालाओं से स्वागत किया। रसोई में गरीब लोग शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक 10 की थाली में पेट भर सकते हैं। उद्घाटन अवसर पर नगर पालिका के ईओ रविन्द्र सिंह, अरुण प्रकाश तिवारी, रफीक अंसारी, धर्मेंद्र कनौजिया, आलोक मिश्रा, धर्मेंद्र राजपूत, लालू सक्सेना, विनय कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। अग्रवाल दंपति ने बीते वर्षों पूर्व मां रसोई का शुभारंभ किया था। बीते चुनाव के दौरान प्रशासन ने आचार संहिता के आरोप में रसोई सीज कर दी थी और मनोज अग्रवाल के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बीते दिनों पत्रकार वार्ता के दौरान मनोज अग्रवाल ने शीघ्र ही रसोई को शुरू करने का वादा किया था और उसे आज पूरा भी कर दिया। कस्बा गोवर्धन में चल रहे रामलीला महोत्सव में मंगलवार को मानसी गंगा में सेतु लीला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ मानसी गंगा रूपी समुद्र को पार करेंगे। गोवर्धन कस्बे की यह सेतु लीला पूरे जनपद भर में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग पहुंचते हैं। सेतु लीला से पूर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानसी गंगा में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान बीपी चौधरी निवासी कुसुम सरोवर, द्वितीय स्थान कहना मुखिया राधाकुंड तथा तृतीय स्थान मुकुट कौशिक गोवर्धन को प्राप्त हुआ। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गौतम खंडेलवाल एवं पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन गौर गोपाल मुखिया द्वारा प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गौतम खंडेलवाल ने घोषणा की कि अगले महीने से महीने के प्रथम रविवार को मानसी गंगा में हर महीने तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नव युवकों में खेल कूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। वहीं सेतु लीला समापन के बाद रात्रि में रामलीला मैदान में रसिया दंगल का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें शास्त्रों पर आधारित गीतों के माध्यम से रसिया दंगल के कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के व्यवस्थापक पुरुषोत्तम उर्फ दद्दा शर्मा, कहना मुखिया नरेश स्वामी, शेखर मुखिया नरेंद्र शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूरा मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के दोहतरा गांव से सामने आया है, जहां पर हमीरपुर जनपद की रहने वाली महिला ईंट भट्टे का काम करके अपने घर हमीरपुर जा रही थी। उसी दौरान महिला अपनी गाड़ी से उतरकर रास्ते में पानी पीने के लिए महिला उतरी। उसी दौरान सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक महिला के लिए काल बन गया और महिला को रौंदते हुए चला गया, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी ट्रक चालक को ट्रक के साथ हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सर चिल्ला थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी, सर क्या था पूरी घटना? आज ये थाना चिल्ला क्षेत्र में ग्राम दोहतरा में एक महिला थी सुधरी नाम की, जो हमीरपुर की रहने वाली थी। तो ये जा रही थी तो ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया है, तो जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सबका पंचायतनामा भरवा कर पीएम हेतु भेजा है, तहरीर मिली है, जिसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर जिस गाड़ी से घटना हुई थी सर उसको क्या? ट्रक को हम लोगों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, जिसको थाना चिल्ला में खड़ा कराया गया। ऑडियो जंगल।